वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि जब से मार्केट डाउन हुई है तो आजकल प्लॉटों की प्राइस हैं वो काफ़ी नीचे आई हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं और अब बड़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल रही हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो ये फैसल टाउन टू वाला एरियाज़ है, उस साइड पर जो एयरपोर्ट वाली साइड है, वहाँ पर आजकल जो 5 मरला प्लॉट हैं बड़े सस्ते हुए हुए हैं क्योंकि मार्केट नीचे आई हुई है। तो अब वो जाहिर बात है लोकेशन तो अच्छी है, अब उस लिहाज से अगर हम लोकेशन देखें और जो प्राइसेज हैं वो देखें तो क्या हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए जी, कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर वो लीगल एरिया है और डेवलप है, ठीक है ना। फैसल टाउन या कुछ भी हो, फार्म्स के अंदर जो है ना वो क्लैरिटी और सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, क्योंकि कोई भी हो ये अनलिमिटेड फाइलों की तरफ चले जाते हैं, उसमें बहुत पैसा ये बना लेते हैं और वो फार्म जो है ना वो जल्दी प्लाटों की शक्ल अख्तियार नहीं करते। आप थोड़ा सा वेट कर लें, जब ये फार्म लोग ख़रीद लेंगे और उसके बाद इसकी सप्लाई अनलिमिटेड रहती है, डिमांड क्रिएट नहीं होती, ये फार्म नीचे आ जाते हैं। जब फार्म नीचे आ जाते हैं तो आप को अफसोस होता है कि यार मैंने तो मतलब इन्वेस्टमेंट की थी ना। अगर तो आपने रहने के लिए लेना है तो वो तो एक और तरह की चीज़ है कि आप उसमें इंतज़ार कर सकते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि फार्म्स की मैंने बताया ना अनलिमिटेड क्वान्टिटी जो होती है वो आपकी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं होने देती। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे अभी मेट्रो सिटी है, गुजर खान है, लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, आधा आधा पैसा ज़ाया किया, अब जाके ले लेना, अब जो जितना जो कि रेडी हो, जो भी रेडी हुआ है वो खरीदे, रेडी भी बहुत ही रीजनेबल पैसों पे मिल जाता है, रेडी चीज़ लें। अगर आपके पास पैसे कम है थोड़े पैसे बढ़ाएं, कोई मैनेज करें ताकि रेडी चीज़ लें, उसमें आपकी सोच है कि कितना फ़ायदा होगा। चीज़ें बनती नहीं है, बहुत मुश्किल से बनती, डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, फार्म बेचना इंतहाई आसान है क्योंकि बीच वालों को किकबैक्स मिलते हैं, यानी उनको रिबेट और कमीशन मिलता है, वो बहुत हरा हरा करके बेच देते हैं, सोसाइटी बहुत ज़्यादा पैसा अंदर कर लेती है, उसके बाद वो करती होगी डेवलप, जो करती हैं उसमें भी एक प्रोसेस और टाइम चाहिए है। तो ये सारी वजूहत हैं। इसके अलावा जब भी चाहे वो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉटिंग के अंदर प्लॉट्स हमेशा डेवलप लें, हालाँकि डेवलप प्लॉट का भी इस वक्त मार्केट ही नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे लोग बेच रहे हैं कि भाई उनकी जान छूटे तो वो किसी हेल्दी एहसासों में कन्वर्ट करें, क्योंकि आजकल प्लॉट अनहेल्दी एहसासों में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि उसकी अप्रिसिएशन नहीं है, ऊपर से बहरिया वगैरह में प्लॉटों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, तो वो उनकी और जो डेप्रिसिएशन है और नीचे जा रहे हैं एहसास, और जो कोई मजबूर होता है वो बहुत अर्जा करके बेच देता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जो रेडी एहसास हैं वो भी अर्जा करके लोग बेच रहे हैं, तो फार्म की तो कोई हालत भी नहीं है ख़रीदने की। तो ये है क्राइटेरिया ख़रीदने का। बाकी जो लोकेशन आपको पसंद है कि आप अपना घर के लिए बनाना चाहते हैं, जो लोकेशन और जो आपका बजट है उसके अंदर ही रह के आप नेचुरली इन्वेस्ट करेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंडिव देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।